हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो व्लॉग देख रहे हैं आप, ये दिवाली व्लॉग है और थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बहुत ही हमारा दिवाली व्लॉग गया, बहुत ही अच्छा हम दिवाली मनाए। और यहाँ पे सबसे पहले हम भगवान जी को पूरा अच्छे तरीके से नहलाते हैं, जिसमें दूध दही और गंगा जल होता है, तो पूरी तरह से भगवान को हम लोग नहलाते हैं। और साथ ही साथ हमारे खाने की भी तैयारी हो रही है, तो एक तरफ भगवान जी की मतलब पूजा की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ खाने पीने की तैयारी चल रही थी। तो ये देखिए, हमारा पनीर है, खीर है और बाकी जो सूरन की सब्ज़ी बोला जाता है, क्योंकि मेन बोला जाता है यहाँ पे दिवाली के दिन जो हमें खाना चाहिए वो सूरन की सब्ज़ी। तो ये देखिए, ये हमारी सूरन की सब्ज़ी है। तो खाना भी हमारा लगभग लगभग बहुत जल्दी हम लोग कर लिए, ताकि बाद में हम इंजॉय कर सकें। और अब बस बारी है भगवान जी को दूध दही, उसमें फूल देख रहे हैं, गुलाब का फूल डाला हुआ है, दूध दही है। तो क्योंकि आज भगवान का ही दिन है, लक्ष्मी गणेश सरस्वती, मतलब हमारे घर में जितने भी भगवान होते हैं तो सबको एकदम अच्छे से नहलाया जाता है, मतलब इस दिन पूरा। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये फिर बाद में हमारे घर के बगल में ही पार्क है, वहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। उनके मुंह पे नहीं गिरी। भगवान जी को अच्छे से नहला के फिर हम उन्हें पोछते हैं। ये देखिए, जैसे हम खुद अपने जीवन में करते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी उनके नए नए कपड़े, और मतलब उनके लिए सब कुछ नया होता है। नहलाते हैं, उनको पोछते हैं, एक एक भगवान को। और हमारे घर में खासकर जो मूर्ति होती है ना, वो घर की ही मूर्ति होती है, जो पीतल की मूर्ति हमारे घर में रखी रहती है, हमेशा हर साल हम उन्हीं की पूजा करते हैं। क्योंकि बाहर से मूर्ति लाना, फिर विसर्जन करना, थोड़ा सा मतलब हम लोगों को भी ये लगता है, थोड़ा उदास मन लगता है, इस वजह से पीतल की मूर्ति लेते हैं और हर साल उन्हीं की ही हम लोग पूजा करते हैं। और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अब तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, खाने की तैयारी, पूजा की तैयारी। और ये देख रहे हैं, बाहर रंगोली भी बना है और घर के सभी लोग रेडी हो चुके हैं। अब बाकी फाइनल हमारा पूजा, मतलब पंडित जी आएंगे और पूजा शुरू होगा। तो हम लोगों ने एक एक करके रंगोली बनाया, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है और डेकोरेशन कैसा लग रहा है। अब फ्रेंड्स, पंडित जी भी आ गए हैं और हमारी पूजा शुरू हो चुकी है, ये देखिए। और आगे आगे अब देखिए आगे होता है क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं शंख बजाई हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और पंडित जी बहुत ही धूमधाम से, अच्छे से, मन से पूजा कर रहे हैं। और आप लोगों के ऊपर भी माँ का आशीर्वाद बना रहे, वीडियो को पूरा देखिए। मना किया जा रहा है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, किसी किसी घर में पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में होता है कि वो लोग खुद से ही पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग के घर पे, खासकर यहाँ पे, पंडित जी शुरू से ही आ रहे हैं। और वो घर में जितना हमारे मतलब दिवाली की जो भी पूजा होती है, सब कुछ बहुत ही धूमधाम से करते हैं। तो किसके किसके घर में पंडित जी आते हैं, और आप लोग को क्या सही लगता है, क्या पंडित जी के आने से अच्छे से पूजा होती है, या फिर हम लोग खुद तैयारी करते हैं और खुद पूजा करें तो वो बेटर होता है, आप बताइएगा।
अपने जगह तो फ्रेंड्स हमारे दिया भी थाली जो है वो भी सज गई है और भगवान भी हमारे पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, उनको भी भोग लग गया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये भोले बाबे हमारे हैं। तो ये देखिए और हमारे दोनों घर की पूजा हो चुकी है, जो पुराना घर है वो भी, जो नया घर है वो भी। तो अब हम थोड़ा सा फ़ोटोशूट करेंगे और इसके बाद हमारा पटाखा का कार्यक्रम शुरू होगा कि सभी लोग मिल के खूब धूमधाम से हम पटाखा छोड़ते हैं। ये देखिए उन्नति, एलिजा, पापा, उसके हम और बाकी भी जो हम लोग अगल बगल के लोग थे, बहुत ही धूमधाम से हम लोग पटाखा छोड़ते हैं। और उन्नति के फ्रेंड्स लोग भी आए हैं और यहाँ पे पटाखा पार्टी हो रही है। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।